जो लोग खुलकर समागम के बारे में बात करते हैं वे सच में अपनी समागम लाइफ में बहुत खुश होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आपके बदलने के सिर्फ दो कारण होते हैं। पहला, आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है, और दूसरा, आपको किसी ने हर्ट किया हो। 42% महिला अपने पार्टनर के साथ समागम के वक्त किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोच रही होती है। अधूरा प्यार एक बीमारी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करें, नहीं तो उसे छोड़ दें। जो लोग ज़्यादातर अपने पेट के बल लेट कर सोते हैं उन्हें समागम के अधिक सपने आते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार डिप्रेशन में जाना ओवरथिंकिंग का नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपने मनपसंद गाने को अलार्म बना लेते हैं तो कुछ समय बाद आप उसे नापसंद करने लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आपको वो इंसान कभी इग्नोर नहीं कर सकता जो सच में प्यार करता है, और जो इंसान इग्नोर करे उस इंसान से दूर रहना ही बेहतर होता है।